डियर स्टूडेंट, मैं हूं सिद्धार्थ किरण। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग फिक्स्चर ड्रॉ करने वाले हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर। उसमें हम लोग बात करेंगे आज नंबर ऑफ टीम्स कितनी होगी मेरे यहाँ पे, 17 की होने वाली है, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप और भी चैनल पे घूम के आए हो कि नहीं, जो कुछ यहाँ पे VIP चैनल है वहां पर देखे, अगर समझ में नहीं आई हो तो यहाँ पे बेफिक्र होकर आप इस वीडियो को देखना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट्स नहीं बचेगा वीडियो के एंड तक। तो अगर आप यहाँ पे, मैं बता दूं कि अगर आपके पास टाइम हो तभी इस वीडियो को पूरा देखना, अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे वॉच लेटर में डाल देना, बाद में देख लेना, बट पूरा एंड तक वीडियो देखना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी, ठीक है। मेरा जो पहला स्टेप क्या होता है, वो स्टेप होता है कि नंबर ऑफ टीम्स की, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, वो है 17, यानी कि 17 टीम्स की हम लोग नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर फिक्स्चर ड्रॉ करने वाले हैं। और मेरा दूसरा स्टेप होता है, ठीक है, वो होता है कि नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए आपको पता है कि वो फॉर्मूला होता है n-1 वाला, चाहे वो ऑड केस हो या इवन केस हो। नंबर ऑफ मैचेस कितने होगा, n-1, यानी कि ये नंबर आपका 17 हो, ठीक है, ऑड नंबर है। अगर 18 भी हो गया ना, वहां पर फॉर्मूला सेम आएगा n-1, यानी कि यहां पे मैचेस कितने होंगी, 17-1=16, यानी कि 16 मैचेस होगी। अब हम बात करते हैं कि अपर हाफ में कितनी टीम जाएगी, लोअर हाफ में कितनी टीम जाएगी। नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, ठीक है, वो क्या होगा, n+1/2। लेकिन याद रखना कि ये जो फॉर्मूला होता है उस कंडीशन में होता है जब नंबर ऑफ टीम्स ऑड दी गई है, यानी कि 17 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। बट हाँ, अगर मान लो कि यहाँ पे 18 हो जाता तो वहां पे फॉर्मूला चेंज हो जाता, वो फॉर्मूला हो जाता है n/2, ठीक है, ये चीजें याद रखना आप लोग। तो यहाँ पे n+1/2 हो गया, यानी कि यहाँ पे 17+1=18, 18/2=9, यानी कि अपर हाफ में आपकी 9 टीम चली जाए होगी। उसी तरह से लोअर हाफ में भी 8 टीम्स होगी, बट क्या करेंगे हम लोग, एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे फॉर्मूले के साथ। तो नंबर ऑफ मैचेस इन, नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ कितनी हो जाएगी, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, n-1/2, ठीक है, हो जाएगा 17-1=16/2=8, यानी कि लोअर हाफ में 8 टीम्स। ये मेरा क्लियर हो गया। अब मेरा जो एक बचा हुआ है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टूडेंट मानते हैं बट वो भी बहुत इजी है, वो होता है कि नंबर ऑफ टीम, नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए मैं हमेशा बोला हूं कि आप लोग को परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ टू याद रखना अप टू 5 तक। कहने का मतलब है कि आप लोग जान रहे हो ना, ये 2^n वाला, ठीक है, इसमें एन का वैल्यू 1 to 5 तक आप लोग याद रखना। मतलब है कि मान लो 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 4, इसका 8, इसका 16, इसका 32। आप लोग जो कॉमर्स वाले या आर्ट्स वाले, डरना मत, इसमें कोई उतना भी बड़ा चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बेसिक है, क्लास 7-8 वाला है, तो ये चीजें आप लोग भी याद रख सकते हो। नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे यहाँ पे, पहले आपको डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 17 है, 17 लाई कहाँ पे करेगा, किसके बीच में करेगा, 17 16 से बड़ा है बट 32 से छोटा है, तो यहाँ पे आपको कहीं लाई करेगा 17। अब आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ, कि जो भी नंबर ऑफ टीम्स दी गई है उसके जस्ट आगे वाला नंबर जो 2^n के फॉर्म में हो, यानी कहने का मतलब है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 2 हो, तो वो कौन सा है, 2^5, जिसका वैल्यू है 32, यानी कि 32 माइनस, यानी कि आगे वाला नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 2 था, ठीक है, 32 हो गया, और नंबर ऑफ टीम्स आपको कितनी दी गई है, 17, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 15, यानी कि 15 यहां पे आपको 22 मिलने वाले हैं। अब 22 का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मैं बता देता हूं, ठीक है, 22 का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ,
इन अपर हाफ, अपर हाफ को मैं यूएस से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पहले ये आप जान लो कि यहाँ पे एक कैसा नंबर है, 15 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। आपको डिटरमिन करने की ये कैसा नंबर था, ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए यहाँ पे अपर हाफ में 22 देने के लिए फॉर्मूला क्या है, वो है बी माइनस 1/2, ठीक है। यहाँ पे बी मतलब है 22, नंबर ऑफ 22, 22 कितने हैं यहाँ पे, 50 माइनस 1/2 दैट इज 7, यानी कि अपर हाफ में 7 बाइस जाने वाले हैं। उसी तरह से लोअर हाफ में कितने बाइस हो जाएंगे, नंबर ऑफ बाइस इन लोअर हाफ, इसके लिए फॉर्मूला होता है बी प्लस 1/2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बाइस यहां पे 15 है, 15 प्लस 1/2 दैट इज 16, 16/2 इक्वल टू 8। अपर हाफ में 7 बाइस, लोअर हाफ में 8 बाइस, टोटल 15 बाइस। अब आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि सर यहाँ पे मात्र टीम तो 17 है, उसमें सर आप 15 बाइस दे रहे हो, बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है। देखो जो भी फॉर्मूला बेस्ड आप जो भी आप काम करने वाले हो, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएंगे, जो भी आउटकम आएंगे, उस आउटकम को आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि आप फॉर्मूला से कर रहे हो, इस सब में यूज होता है। कब ऐसा मत समझना कि 17 में 15 को 22 दे रहे हैं, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूं, ऐसा होता है, इसको आप बिलीव करना। अब उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड्स के लिए क्या करना है, आपको वही करना है कि जैसे 17 के जस्ट आगे वाला नंबर कौन था, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 2 था, वो कौन सा था, 2 to the power 5, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना आया था, 32 आया था। तो वहां पर जो आप 2 to the power 5 देख रहे थे, तो ये 5 क्या है, वैल्यू ऑफ एन ही तो है, और नंबर ऑफ राउंड कितने होते हैं, इसको एन से नोट करते हैं। तो यहां जैसे 17 के जस्ट आगे वाला नंबर कौन था, 2 to the power 5, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 2 था, वहां पे n का वैल्यू 5 था, तो यहां पे नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है। यहां पे नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे 5, यानी किसी भी कंडीशन में उसका आगे वाला नंबर लेते हैं। और बात कर लेते हैं क्या सर, मान लो कि यहां पे नंबर ऑफ टीम 16 हो जाता, ये 32 हो जाता, तो वहां पे नंबर ऑफ राउंड्स कितने होते, और 16 होता तो 16 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 to the power 4, तो वहां पे नंबर ऑफ राउंड्स हो जाते 4। अब ऐसा मत करना कि 16 दिया हुआ है तो अब उसको 32 से कंपेयर करेंगे। अगर नंबर ऑफ टीम्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 2 दे दी गई है, तो वहां पर ऐसा नहीं होता है, जिस नंबर पे हम लोग देखते हैं उसी का पावर देख के हम लोग यहां पे डालते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। और 22 के कंडीशन में भी, मान लो कि यहां पे 16 टीम दे दी जाती, तो वहां पे 22 के लिए हम लोग क्या 32 से माइनस करते, नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ टीम्स दे दी गई है 2, 4, 8, 16, 32, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहां पे नो बाइस कंडीशन है, कोई भी बाइस नहीं होगा, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। अब बात कर लेते हैं फिक्सर ड्रॉ करने का, यानी कि मैंने ये तो चीज बता दिया नोटेशन को, अब मैं फिक्सर ड्रॉ कैसे करूंगा वो मैं बता देता। स्टूडेंट फिक्सर ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले आप अपनी टीम्स को लिख लेना, यानी कि 17 टीम्स यहाँ पे दी गई है, तो आप सबसे पहले टीम्स लिखना और 1 to 70 तक आप लिख लेना, ठीक है। इसके पिछले मैंने जो भी चीज फाइंड किया था वो अगर आपने नोट डाउन कर लिया अपने कॉपी में तो सही है, लेकिन इसके अलावा मैंने यहाँ पे शॉर्ट में नोट डाउन भी कर दिया हूँ कि एन यानी कि नंबर ऑफ टीम्स कितनी है 17, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ 9, नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ 8, यानी कि 22 अपर हाफ में 7 और लोअर हाफ में 22 8, ठीक है। इससे पहले आपको जो भी काम करनी है, बट आपको सबसे पहला काम ये करना है कि नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ 9 है, तो 9 के बाद एक छोटी सी लाइन बना दो आप, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी कि आपकी अपर हाफ कौन सी है, लोअर हाफ कौन सी है। यहाँ पे अपर हाफ लिख देना, ठीक है, और लोअर हाफ। हाँ, अब बात आती है कि यहाँ पे मैं यूएच लोअर एल एच इसलिए भी लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड छोटी सी है, और मैं अपर हाफ लोअर हाफ लिखा तो आई थिंक थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगी, तो आप एग्जाम में कतई ना करना कि आप भी यूएच एल एच लिख के आ जाना, ठीक है, आप वहाँ पे अपर हाफ लोअर हाफ पूरा फुल में लिखना, ठीक है। अब उसके बाद मैं आगे बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो बाइस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि अपर हाफ में कितनी बाइस है, 7 बाइस है, तो अपर हाफ में बाइस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, तो अपर हाफ में सबसे पहला बाइस देते हैं सबसे पहली टीम को, याद रखना कि अपर हाफ में सबसे पहला बाइस देते हैं सबसे पहली टीम को। अब कहोगे सर मैं आपको पिछला वीडियो भी देखा था, उसमें तो आप सबसे लास्ट वाली टीम से स्टार्ट करते हो, लास्ट वाली टीम से भी स्टार्ट कर सकते हो, गलत वो भी नहीं है, बट सीबीएसई जो अपनी एडवाइजरी जारी की है उसमें बोलती है कि अपर हाफ में जो टीम के जो बाइस देने की स्टार्टिंग होनी चाहिए वो पहली टीम से होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला बाइस किसको मिलेगा, 1 को, टोटल अपर हाफ में कितनी बाइस देनी है, 7, तो सबसे पहला मैंने 1 को दिया, फिर डाउन आना है यानी कि 9 को पहले देना, फिर 2 को देना, फिर 8 को, फिर 3 को,
फिर 7 को और फिर 4 को, यानी कि 7 बाइज मैंने डाल दिया, 4, 3, 7। अब लोअर हाफ में कितनी बाइज है, 8 बाइज है, और लोअर हाफ में टीम कितनी है, 8 टीम है, यानी कि लोअर हाफ में सबको बटने वाली है बाइज, ठीक है। अब घबराना अभी भी मत कि सर क्या लोअर हाफ में सारी टीम को बाइज दे सकते हैं क्या, हाँ दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 बाइज देनी है, बट मैं बता दूं कि लोअर हाफ में भी जो सबसे बाइज देने की स्टार्टिंग करोगे सबसे लास्ट वाली टीम को, अपर हाफ में स्टार्टिंग कैसे करते थे सबसे पहले टीम से, और लोअर हाफ में बाइज देने की स्टार्टिंग की जाती है सबसे लास्ट टीम से, यानी कि पहला बाइज किसको मिलेगा, 17 को, फिर 10 को, ऐसे बाइज सबको देना है, बट मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूं, और कुछ भी समझ में ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना, और मैं बता देता हूं कि मैं 2-3 घंटे के अंदर आपके जवाब, आपके कमेंट का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं, या मेरे टीम में जो भी स्टूडेंट हैं जो भी जुड़े हुए हैं मैं वो आपके जो भी क्वेश्चन आप डालोगे उसका जवाब दे देंगे वो, ठीक है। बाइज हो गया मेरा ये, अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है बाइज, तो पता है कि बाइज होता है क्या है, बाइज मैं बता भी दूं कि बाइज एक तरह का प्रिविलेज होता है, उन टीमों को दिया जाता है जो पिछले साल के रनर थे, विनर थे, ताकि वो अपने फर्स्ट राउंड को नहीं खेलते हैं और सीधा सेकेंड राउंड में आते हैं उस टूर्नामेंट में, ठीक है। और स्पेशल वीडियो मैंने बता भी दिया है पूरे, क्योंकि मैंने सारे लेसन को कवर कर दिया है, तो आप जाके यूनिट बाय यूनिट देख लेना, सारे लेसन आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब जिन्हें बाइज नहीं मिला है वो फर्स्ट राउंड खेलेंगे, तो यहाँ पे मात्र 2 ही टीम है जिन्हें बाइज नहीं मिला है, तो वो दोनों अपनी फर्स्ट टीम मैच खेल लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड, जो भी चीज काम करना बहुत ही नीट एंड क्लीन करना, ठीक है। फर्स्ट राउंड हो गया, फर्स्ट राउंड में 5-6 खेलेंगे, एक विनर बन के आएगा, और विनर आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन सा विनर आएगा। मान लो कि 5 विनर आ गया, ठीक है। उसके बाद जिन्हें 22 मिल गया था वो सेकेंड राउंड से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे टूर्नामेंट में। तो मान लो कि फर्स्ट और सेकेंड को मान लो कि मैं पहला मैच करा देता हूं, थर्ड फोर्थ को फिर मैंने मैच करा दिया, फिर इधर फिफ्थ है और सेवेंथ है, 8 और 9 है, ठीक है। इधर से सारे को मैच करा दो आप, 12, 13 एक मैच हो गया, 14, 15 और इधर 16, 17, ठीक है। ये हो गया आपका, ये जो मैच हो रहा है ये कौन सा राउंड है, सेकेंड राउंड, ठीक है। ये सेकेंड राउंड है आपका, और इसमें भी कुछ विनर बन के आएंगे, ठीक है। 1, 2 में मान लो कि विनर बन के आ गए 2, 3, 4 में मान लो कि विनर बन के आ गए 4, इसमें मान लो कि 7, इसमें 9, इसमें 10, इसमें 12, 13 में मान लो कि 13, इसमें से मान लो कि 15, इसमें से मान लो 17, ये आपके विनर बन के आ गए। अब ये आगे वाले मैच खेलेंगे आने वाले राउंड में, ठीक है। मान लो कि फिर मैच करा दो आप, ये जो मैच होगा आपका ये होगा थर्ड राउंड का, ठीक है। जो भी काम करना आप लोग स्टूडेंट, बहुत ही नीट एंड क्लीन करना, आप सही बनाना मैटर नहीं करता है, बट एक अच्छे तरीके से सही बना रहे हो मार्क्स फुल में फुल मिलता है, क्योंकि आप ये ध्यान में रखना कि वही स्टूडेंट 100 में 100 ला पाते हैं फिजिकल एजुकेशन में, जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ही साफ सुथरी होती है। मैंने भी 97 मार्क्स पाए थे, आई थिंक मेरे भी राइटिंग सही है, काम चला हुआ है, और मैंने बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से मैंने उसमें बनाया था। मात्र एक क्वेश्चन में मुझे गलती हो गई थी, क्योंकि सीबीएसई हर साल कुछ क्वेश्चन में ट्विस्ट लाता है, तो मुझे सर्किट ट्रेनिंग को लेकर कुछ ट्विस्ट क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें मेरे मार्क्स कटे थे, और ऐसे मैंने 97 मार्क्स पाए थे। और मैंने वीडियोज में बता दिया हूँ कि कैसे मैंने प्रिपेयर किया, कैसे किया, आप लोग देख लेना, ठीक है। ये हो गया, अब ये मेरा थर्ड राउंड का मैच हो गया। अब इसमें से भी विनर बन के आएंगे, मान लो कि 2-4 में विनर बन के आ गए 4, 7-9 में मान लो कि 7, मान लो इधर 10, इधर 17। अब मेरा राउंड होगा कौन सा, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ राउंड, ठीक है। अब इसके बाद फिर से एक होगा, मान लो कि 4-7 विनर बन के आ गए 7, इधर मान लो कि 17। अब ये मेरा फाइनल मैच है, इसमें से विनर बन के मान लो कि आ गए 17। ऐसे 17 में मैं अपने लास्ट टीम को हमेशा विनर बनाता हूँ, क्योंकि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उन्हें पता होगा, ठीक है। ये मेरा राउंड था 5, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन एक ये भी होगा कि सर आपने तो बताया था कि यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेज होंगे
जितनी भी नंबर ऑफ टीम है माइनस वन कर दो, यानी कि 17 टीम से माइनस वन कर दो, 16 मैचेज होगी। क्या सच में 16 मैचेज यहाँ पे हुए क्या? और मैं आपको वेरीफाई करके बता देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मैचेज हो गए। वहां पे मैंने एक चीज और बोला था कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ राउंड्स होंगे 5। क्या 5 राउंड हुए? हाँ बिल्कुल हुए होंगे। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब कुछ मैं बातें बता देता हूं कि अभी आपके एग्जाम में, चाहे जो भी एग्जाम नजदीक हो या आपके एग्जाम में कुछ टाइम बचा हुआ है, तो अभी ये करना कि मैं बता देता हूं अपना स्ट्रेटजी, कुछ बता रहा हूं, अगर टाइम थोड़ा सा लगे तो आप स्किप भी कर देना। कि आपको कोई भी, अगर मैं तो सजेस्ट करता हूं, मैं खुद वीडियो नहीं देखा था अपने एग्जाम के दौरान, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो कंसेप्ट क्लियर करने को, तो उन चैनलों को आप फॉलो करना जो चैनल सच में आपको कुछ कंसेप्ट दे रहे हैं। क्योंकि वीआईपी चैनल पे नहीं जाना कि उसके चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, 500 मतलब 5 लाख सब्सक्राइबर है, तो उसी चैनल पे मैं जाऊंगा। उस चैनल पे जाना जहां पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो, कंटेंट अच्छा मिले, ताकि आप लोग बूस्ट करो अपने नॉलेज को। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो हाई फाई चैनल पे जाते हैं जहां पे सब्सक्राइबर ज्यादा होते हैं, वो वहां पे कंटेंट कम मिलता है आपको, वहां पे भाषण आपको ज्यादा दिया जाएगा कि ऐसे तैयारी करो, ये करो, वो करो। आपको जरूरी है कि अभी अपने कंटेंट को बूस्ट करो, आप अधिक से अधिक सिलेबस को कवर करो। ठीक है, सिलेबस को कवर कर लोगे, वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, अपने से भी आप कर सकते हो। क्योंकि मैंने सिर्फ बुक से पढ़ाई किया था, सेल्फ स्टडी किया था, 97 मार्क्स पाया था, और आप भी पा सकते हो। तो ये सभी चीजें मैंने जो बताया आपके क्लियर हो गएंगे। जो भी डाउट्स होगा, चाहे इस चैप्टर को लेकर, कोई भी चैप्टर को लेकर, या कुछ सजेशन होगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, या जो भी पढ़ा रहा हूँ कुछ सजेशन, ताकि मैं अपने टीचिंग स्टाइल को चेंज करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे सजेस्ट कर रहे हो या कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो। स्टूडेंट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।